हेलो, वेलकम इन माय चैनल सर्वेष्ठा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे वाले कद्दू की बड़ी। इसके लिए हमें चाहिए पेठे वाला सफ़ेद कद्दू 2 किलो हमने लिया। इसके बीच के बीच को काट के निकाल देंगे और इसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अब इन छोटे छोटे पीसों को, छिलके को अलग कर देंगे और इसे चाहे आप कद्दूकस कर सकते हैं, चाहे आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं। इसके लिए हमें और हमने इसके लिए लिया हरा धनिया, मेथी, हरा लहसुन और थोड़ा सा 10 ग्राम घिसा हुआ अदरक। इन सभी को काट के अच्छे से धुल के साफ़ कर लेंगे हरे पत्तों को। और इसके बाद हमें चाहिए 250 ग्राम मटर का बेसन और 250 ग्राम चने का बेसन और 250 ग्राम ही उड़द की दाल का बेसन बना लेंगे। इसके बाद हम इसे कद्दू में इतना पानी रहता है कि हमें अलग से पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसको हम एक भगोने में डाल के और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इनमें हम मसालों को भी डाल लेंगे, कुछ मसालों को, और नमक इसमें हम सुबह ही डालेंगे। मसालों में हमें चाहिए 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 चम्मच जीरा साबुत और 1/2 चम्मच हींग पाउडर और थोड़ा सा हमें धनिया पाउडर भी 2 से 3 चम्मच डाल लें। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा ही लगेगा। अब इसको हमने रात में रख दिया था, अब ये सुबह का वीडियो है। अब सुबह हम इसमें नमक डाल लेंगे 2 से 3 चम्मच, या आपको हल्का ज़्यादा जितना जैसा भी पसंद हो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मसाले अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों को और इन बेसन और कद्दू को सबको मिक्स करके रात में रखने से ये अच्छे से सेट हो जाता है और सभी मसाले अच्छे से एकदम अच्छे से भीन खुशबू उसकी अच्छे से आ जाती है पेस्ट में। तो फिर इसके बाद हम इसको धूप में किसी चद्दर या पॉलीथीन पर अपने जैसा आपको इसका शेप पसंद हो उस शेप के अनुसार आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ही जितना पेस्ट हमने तैयार किया सबको ऐसे बना लेंगे। इसके बाद हम इसे 2 से 3 हफ्ते तक, 2 से 3 दिन या 4 दिन या फिर 1 हफ्ते तक आप इसे अच्छे से सुखा लीजिए, जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे। जब ये अच्छे से सूख जाए तब आप इसे में साबुत लाल मिर्च डाल के किसी एयर कंटेनर डिब्बे में रख सकते हैं। आप इसे साल भर तक यूज करिए, ये ख़राब नहीं होता है। और इसमें सभी दाल हैं और कद्दू है तो ये टेस्टी और हेल्दी भी होता है। आप इसे किसी भी सब्ज़ी में यूज कर सकते हैं, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि ये स्पाइसी होता है तो थोड़ा सब्जी का टेस्ट भी बढ़ाता है। दाल भी इसको आप यूज कर सकते हैं। आप इसको साल भर आराम से रख के खाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।